अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी रेसिपी के इंग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 kg बीफ ले लिया, 2 medium size के टमाटर ले लिए, 5 से 6 हरी मिर्चें, और मैंने यहाँ पर 2 medium size की प्याज ले लिए, 1 teaspoon नमक, 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon लाल मिर्च का पाउडर, 2 tablespoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon यहाँ पर मैंने कोरमा पाउडर ले लिया, वही मैंने 2 अदद आलू ले लिए। तो ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया, तो अब हम इसमें सबसे पहले गोश्त ऐड कर लेते हैं ताकि जो हमारा आलू गोश्त है वो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। तो प्याज ऐड कर देते हैं, टमाटर, और अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस अब हम यहाँ पर पानी ऐड कर देते हैं। तो 1 glass पानी का ऐड कर देते हैं और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 glass और ऐड कर रही हूँ। तो बस अब इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे वेट लगा देते हैं। तो सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट का वेट लगा देते हैं और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखें हमारा गोश्त गल चुका है, तो मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया। तो बस अब हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ये जो हमने कोरमा मसाला लिया, ये ऐड कर लेते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऑयल भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 cup ऑयल लिया, ये ऐड कर देते हैं और अब अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। मसाले की बनाई हो रही है, अब साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और आलूओं को भी साथ में ही भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से जो हमने इसमें कोरमा मसाला ऐड किया उसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इतना ही मज़ेदार सा होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो बस आप वीडियो देखें और जल्दी से रेसिपी को बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें। तो देखें गोश्त की और आलूओं के मसाले में अच्छे तरीके से बनाई हो रही है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और इसी तरह से भून लेते हैं और फिर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे अपनी ग्रेवी के लिए। तो देखें मसाले की अच्छी तरीके से बनाई हो रही है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर 3 glass पानी के लिए, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना ऐड कर लें। और जो हमने हरी मिर्चें ली हैं वो भी ऐड कर देते हैं और अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो
मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बस हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके कुक करते हैं ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं कवर करके कुक करते हुए, तो बस हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर, और अब थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला गार्निश कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में हमने इतना टेस्टी सा आलू गोश्त रेडी किया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।